हाय गाइस, नमस्ते। कैसे आप लोग? और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेशाब ज़्यादा क्यों आता है, क्या कारण होता है इसके पीछे, लड़का होता है या फिर लड़की होती है, सारी चीज़ें आप नमक डाल के जान सकते हैं पेशाब में कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। इन बातों में कितनी सच्चाई, चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी में क्या पेशाब में नमक घुल गया था या फिर पेशाब में नमक नहीं घुला था, चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर ये चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दे, अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दे, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प है। जब से आपकी प्रेगनेंसी आप कंसीव करते हैं, तो आपको पेशाब बार बार जाने की ज़रूरत पड़ती है। आपको 1 से लेकर 9 महीने तक आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है। बेबी ब्लैडर पे प्रेशर डालता है, तो जिस जिस तरीके से आपके ब्लैडर पे प्रेशर आता है, उस तरीके से आपको पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि अगर आपको ज़्यादा पेशाब जाना पड़ रहा है, बार बार पेशाब आपको लग रहा है, तो क्या आप पानी कम कर देंगे तो आपको पेशाब कम जाना पड़ेगा? तो कई बार ये देखा गया है कि वो महिलाएं जो पानी कम पीती हैं, थोड़ी उनकी मात्रा में जो पानी ज़्यादा पीती हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा पेशाब जाना पड़ता है। क्योंकि ये बॉडी का उस टाइम पे स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जब जब ब्लैडर पे प्रेशर आता है, वो आपके पानी पीने की वजह से कम, लेकिन आपके ब्लैडर पे प्रेशर दबाव पड़ने से ज़्यादा आपको पेशाब लगता है। लेकिन अगर आप नहीं भी पानी पियेंगे, तभी भी आपको पेशाब जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका ब्लैडर नीचे पेशाब की थैली पर प्रेशर डालता है, तो आपको बार बार पेशाब लगता है। पानी कम पियेंगे तो आपको पेशाब कम जाना पड़ेगा। अगर आप पानी कम पियेंगे तो आपको हो सकता है कि 1-2 बार कम जाना पड़े, लेकिन एक तो सबसे बड़ा परेशानी ये रहेगा कि आपके बेबी का, बच्चा का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, आपका बच्चा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, या तो उसके माइंड के विकास में प्रॉब्लम हो, या फिर उसके वजन में प्रॉब्लम हो, या फिर बच्चा जिसमें रहता है एमोनिटिक फ्लोर जो पानी से ही सिर्फ बना रहता है, उसमें भी कई बार कोई चीज़ की कमी हो सकती है। एम्यूनिटिक फ्लूड अच्छी मात्रा में नहीं रहेगा तो आपका बच्चा मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाएगा। 1 से लेकर 9 मंथ तक आपको पानी पीना है। पानी ज़्यादा पीती थी मैं, 10-12 ग्लास, कभी 15 ग्लास भी मैं पानी पी लेती थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि भूख उतना मुझे नहीं लगता था पहली तिमाही में, तो मैं पानी ही ज़्यादा पीती थी कि मुझे वॉमिट ना आए। और पानी की हेल्प से कुछ देर ऐसा होता था कि मेरा मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता था, जो वॉमिट वाला मुंह हुआ रहता था वो थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता था, थोड़ा पेट भी भर जाता था, क्योंकि उस टाइम पे कुछ फर्स्ट तिमाही में कुछ खाने का मन नहीं करता था, तो उससे थोड़ा सा पेट भी भर जाता है। और उस टाइम से मुझे जो जल्दी जल्दी सुसु लगने की प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई, जल्दी जल्दी मैं पेशाब जाना स्टार्ट की, उस 9 मंथ तक मैं स्टार्ट की हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि मेरा पेशाब कभी कम हुआ है, 10 मिनट या फिर हर आधा घंटा 1 घंटा में मुझे पेशाब जाना पड़ता था। वहीं पे जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, तो उस टाइम पे मेरे को पॉटी भी बहुत ज़्यादा आने लगा था। तो ये आपके साथ भी हो सकता है कि डिलीवरी के टाइम पे कहा जाता है कि आपको पेशाब और पॉटी बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो अब बात करते हैं लड़का और लड़की का, क्या आप जान सकते हैं कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी, पेशाब कम आने से क्या लड़की होती है, पेशाब ज़्यादा आने से क्या लड़का होता है? तो ऐसा इन सब के पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं, येलो पेशाब हो रहा है तो कहा जाता है कि आपको लड़की होने वाली है। वहीं पर आपका डार्क येलो पेशाब हो रहा है, जितनी बार आप जा रहे हैं उतनी बार आपका डार्क येलो हो रहा है पेशाब, तो कहा जाता है कि आपको लड़का होने का चांसेस ज़्यादा है। और आप सुबह का पेशाब देखेंगे तो वो थोड़ा डार्क होता है, दिन भर के पेशाब से अगर आप मिलाएंगे तो वो जो सुबह आप यूरिन पास करते हैं तो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, फिर भी डार्क येलो लग रहा है आपका पेशाब, कि आपको दिन भर डार्क येलो आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको लड़का होने वाला है।
अगर आपने लड़का कंसीव किया है या फिर आपने लड़की कंसीव किया है, आप जब सुबह जगते हैं वो वाला यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क येलो होता है दिन भर की यूरिन के मुकाबले। तो अगर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि दिन भर आपका कैसा पेशाब आ रहा है, लाइट येलो या फिर डार्क येलो, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। और मेरा एक्सपीरियंस अगर जाने तो मेरा लड़की के टाइम पे लाइट येलो था और लड़के के टाइम पे थोड़ा डार्क येलो था, तो मेरा पेशाब जैसा बोला जाता है वैसे मेरे साथ मैच किया था कि मुझे लड़के के टाइम पे लाइट येलो था और लड़का के टाइम पे मेरा पेशाब का कलर डार्क येलो आता था। अब देख लीजिए अपने साथ, आपके साथ क्या मैच कर रहा है, आपका डार्क येलो है या फिर लाइट येलो है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे ही आपको इचिंग स्टार्ट हो रहा है, स्वेलिंग स्टार्ट हो रहा है, वैसे ही आप अपने डॉक्टर को बताइए। डॉक्टर कुछ ऐसे मेडिसिन लिखेंगे या फिर बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे बच्चे की यूरिन के पास इन्फेक्शन ना जाए, बच्चा आपका सेफ रहे। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत से डॉक्टर को बताइए। और वॉशरूम में एक नैपकिन ज़रूर रखें जो स्पेशली आप ही के लिए हो, आप ही यूज़ करते हो वो नैपकिन को, आप पहले वॉश कर लीजिए पानी से। कभी भी आप यूरिन पास कर रहे हैं वॉश जरूर कीजिए, देन उसके बाद नैपकिन से अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन कर ले, एकदम ड्राई कर ले, तो इससे बहुत ज़्यादा हद तक इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ पहली तिमाही में हुआ था इन्फेक्शन थोड़ा सा, उसके बाद से मैं नैपकिन रखना स्टार्ट कर दी थी। मैं कभी भी वॉशरूम जाती थी तो मैं पहले, अभी भी मेरा आदत है कि मैं प्राइवेट पार्ट को क्लीन करती हूँ उसके बाद मैं बाहर निकलती थी, और उसी टाइम से मेरा हैबिट हो गया है। तो इससे आप फ्रेश फील करेंगे और आपको इन्फेक्शन भी नहीं होगा। और ये थी ये कुछ मेरी पर्सनल जानकारी। आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।